आप बोलिए इस तरीके से कॉलेज माफिया जो इस तरीके से फीस कलेक्ट कर रहा है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और ये एक्शन लेना बोल के मैं इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करा हूँ। हेलो हेलो गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, वानी कॉलेज वानी जूनियर एंड डिग्री कॉलेज से बात कर रहे सर। जी मैडम बोलिए। सर अभी इश्यू हुआ था सर, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे सर। क्या इश्यू हुआ था मैडम? अबाउट फीस स्ट्रक्चर सर। ओके तो मैम कुछ डिटेल में बोल सकते हैं आप कि क्या इश्यू था फीस रिलेटेड? सर एक्चुअली द होल फी इज 22,605 रुपीज आर द एकेडमिक ईयर फीस फॉर डिग्री स्टूडेंट। ओके ओके फॉर द फर्स्ट सेम वी हैव टेकन 2,700, फॉर द सेकेंड सेम वी आर गोइंग टू टेक 600। सो सेमेस्टर फीस जो रहती है वो तो सेपरेटली पे करना पड़ता ना मैडम हर कॉलेज में? हाँ सर, देखिए सर आप कहें कौन से भी कॉलेज में पूछिए आप फर्स्ट सेम की फीस सेपरेट पे करना रहता और सेकेंड सेम की फी भी सेपरेट पे करना रहता ना सर? जी जी तो उन्हों जो भी स्टूडेंट आके उनके जो फादर है वो स्टूडेंट का नाम है सना सिद्दीका, उनके जो फादर है सर हम वो आके ये इश्यू क्रिएट कर रहे कि जो मैं एग्जामिनेशन के जो फी है वो एक्चुअली जो पैटर्न आया एकेडमिक जो सिचुएशन है एकेडमिक ईयर की उसमें ही एग्जामिनेशन फी है उसमें ही हाँ पूरा फी पे कर चुका हूँ मैं लिहाजा मैं फी नहीं पे करता। तो मैडम उनके रिसिप्ट रहते ना मैडम कॉलेज के? जी तो रिसिप्ट में फीस पे करे बोलकर ही तो उन्होंने बोल रहे होंगे उतना मैडम वो? सर देखिए एक्चुअली फीस 22,605 रुपीज उनके हिसाब में जो फीस स्ट्रक्चर है वो है वही पे करते बोलते ठीक है बोल के भी हम लोग एक्सेप्ट कर लिए सर। उनको बोले कि जो आपको ओयू से जो फी है वही फी पे करो बोल के बोले अब तक की जो उन्होंने फी पे करे 9,000 रुपीज की पे करे सर उन्होंने अब तक भी वो सिर्फ कॉलेज की फी पे करे मैडम वो? हाँ 9,000 रुपीज कॉलेज फी पे करे सर और फर्स्ट सेम की फी भी एग्जाम फी भी इतना ही इश्यू करके इतना ही हंगामा करके उन्होंने फी पे करके गए। जब सेकेंड सेम की बारी है अभी सेकेंड सेम की फी चल रही थी इसके लिए भी वो हाईलाइटेड करके उन्होंने इतना तमाशा कर चुके हैं कि मालूम है उनकी ये गर्ल्स कॉलेज है पूरे लेडीज स्टाफ रहता है यहाँ से फिर भी हम लोग बोले सर जो हम लोग नहीं लेते ये ओयू की फीस है सर वहाँ पे भी जाके आप मालूम कर ले सकते नहीं तो डायरेक्टली जाके वहाँ पे बात वहाँ पे भी पे कर ले सकते बोलते मैं बोली भी सर। तो मैडम आपके पास वो स्कॉलरशिप फैसिलिटी नहीं है क्या मैडम? सर स्कॉलरशिप फैसिलिटी है बट स्कॉलरशिप के जो अमाउंट आता है सर वो स्टूडेंट के अकाउंट में ही आता है सर हमारे अकाउंट में नहीं आता वो थोड़े कॉलेजेस ऐसे हाँ जो 10,000 का जो चेक आता है सर स्टूडेंट को बुला के हम वो 10,000 का चेक वो स्टूडेंट की हैंड ओवर कर देते हैं सर हमारे उसमें नहीं रहता सर। और थोड़े कॉलेजेस ऐसे रहते कि वो स्कॉलरशिप पूरे ले लेके उन्हें कॉलेज फीस या उसमें इंक्लूड कर लेते सर हमारे उसमें ये नहीं है हम लोग स्टूडेंट को बुला के खुद से उनकी हैंड ओवर कर देते हैं। अच्छा तो आपके पास का पूरा क्लियर सिचुएशन है जो भी रहता फ्री हाँ, सर। जी तो हाँ सर और एक एक बात सर मैं ये भी बोलना चाह रही हूँ कि हम जब एडमिशन लेते हैं सर मैं ये भी बोल चुकी हूँ कि स्कॉलरशिप के लिए अमाउंट जब देर होता सर जल्दी नहीं आता जब फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है आपको नियरली सेकेंड ईयर के टाइम पे आता लिहाजा आपकी जेब से आप लोग ये फी पे करना रहता जब ओके बोल के बोल दिया सर फिर जब फर्स्ट सेम आए तो ऐसी ही गड़बड़ करे और सेकंड सेम के टाइम पे भी ऐसी ही न्यूसेंस इतना के हम मैडम ये न्यूसेंस करने की वजह खाली फी पे नहीं करते बोल रहे उन्होंने सर उन्होंने सेम वाइज फी नहीं पे करते बोल के बोल रहे थे ये जो भी ना एलिगेशन लगाए जो भी न्यूज बोल रहे पूरे फेक है सर। सर सेम हर कॉलेज में भी सेम फीस अलग ही रहती ना सर हाँ एकेडमिक ईयर फीस में तो इंक्लूड नहीं रहेंगी ना सर वो तो है मैडम बोलिए आप फिर मैडम तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने आप लोग फीस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले रहे होंगे बोल के तो उन्होंने कर रहे होंगे सर फी के लिए देखिए सर फी देखिए 22,605 रुपीज बोल के बोले ना सर उन्होंने जो एकेडमिक ओयू से जो आया वही पे करते बोलते उसके लिए भी हम लोग ओके एक्सेप्टेड बोल के ही बोले सर हम लोग उनसे कोई ये 1 रुपी भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहे जी जो ओयू की फीस भी है वही फीस हम लोग चार्ज कर रहे थे जी जी सर और जो सेमेस्टर वाइज है
मैं आप आएंगे तो मैं आपको भी बताऊंगी सेमेस्टर फीस में कितना है और क्या चार्जेस है, क्या है वो आपको मैं डिटेल से मैं बता दूंगी सर। हम लोग ना फेक न्यूज क्रिएट कर रहे हैं, ना फेक स्टेटमेंट दे रहे और ना हम लोग इतना ज्यादा नहीं ले रहे कि कोई पेरेंट्स परेशान होके फ्रस्ट्रेट होके मैडम ये लगाने के लिए। जी मैडम, तो एक और एक बात ये पूछना था आपसे कि खाली ये एक ही पेरेंट जो है उन्होंने इशू क्रिएट कर रहे हैं या पूरे पेरेंट्स जो है तकरीबन इशू क्रिएट कर रहे कॉलेज में? नहीं सर, ये एक ही पेरेंट है और इनके बिहाफ में ना थोड़े स्टूडेंट्स ने ना गैदर कर लेके ना थोड़े स्टूडेंट्स इन्हों मोटिवेट करके उनसे स्टेटमेंट दिलाने लगा रहे सर बाहर। तुम लोग भी बोलो और अच्छा रहता, तुम्हारे भी फी रिटर्न आती बोल के ऐसे बच्चों को मोटिवेटेड कर रहे सर इन्हों। कौन करा रहे मैडम ये मोटिवेशन? ये जो अभी जो पेरेंट आके हम पे जो इश्यू लगा के गए ना सर, जो एलिगेशन लगा के गए ना, वो पेरेंट खुद थोड़े लड़कियों को मोटिवेटेड करें। आप लोग भी बोलो मीडिया के सामने आप मैडम जब जी जी तो जब आप उन्होंने ऐसा कॉलेज पे एलिगेशन लगा रहे हैं तो क्या आप कंप्लेन करे हैं पीएस में? सर पीएस में कंप्लेन करने के लिए कॉलेज का नाम तो खराब ही होता और हम लोग पेरेंट्स को इतना टारगेट नहीं करते सर, उनकी इतना परेशान करना बोल के हम लोग नहीं चाहते सर। पेरेंट्स आर इक्वल टू अस एज ए गॉड सर, जो भी आते हम लोग उनसे हर अच्छे से डील करते। अगर आप आ रहे हैं आप बात करिए, अब मैं क्लासेस में भी लेके जाके मैं स्टूडेंट से बात करवाऊंगी, कुछ अगर प्रॉब्लम अगर है तो हम लोग फीस के लिए भी अभी भी रिसेंटली फीस के लिए भी हम लोग उनको क्या बोले आपको कॉलेज फीस बाद में पे कर सकते हैं, पहले एग्जामिनेशन की पे। मैडम तो मेन ये बात है कि कॉलेज की जो फीस है एकेडमिक फीस में से ही उन्होंने चाह रहे कि आप लोग सेमेस्टर फीस भी पे कर लेना। सर कैसा होता है सर ऐसा? तो कोई उन्होंने तो वही चाह रहे ना वो पेरेंट्स। तो सर हर कॉलेज में देखिए आप सेमेस्टर फीस अलग ही रहती है, एकेडमिक ईयर फीस अलग ही रहती, कॉलेज फीस तो अलग ही रहती ना सर, उसमें से कोई भी आपको सेमेस्टर की फीस इंक्लूड नहीं करेंगा ना सर। जी आप अगर चाहें तो दूसरे कॉलेज से ये मालूम कर ले सकते क्या एकेडमिक जो चार्ज करता कॉलेज फीस चार्ज करता उसमें सेमेस्टर फी रहती क्या, या ना तो सेपरेट लेते बोलते मालूम कर लीजिए सर आप लोग भी सबके साथ। हम भी सर जो ओयू के जो रहते जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वही मैम ये मेन आपका कॉलेज कहाँ पर है मैडम? ये वानी कॉलेज। हमारा कॉलेज वानी कॉलेज मेहंदीपट्टनम एक्स रोड बालाजी ग्रैंड बाजार के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहता सर। जी जी सर। तो मैडम अभी पेरेंट वहीं पर है अभी? सर अभी तो उन्होंने इतनी गड़बड़ करके गए सर, उन्होंने हर फर्स्ट सेम में आए तो इतनी गड़बड़ करे, सेकंड सेम में आए तो इतनी गड़बड़ करे, इनको ये तक भी मालूम नहीं है गर्ल्स कॉलेज है पूरा लेडीज स्टाफ रहता है यहाँ पे, कैसा बिहेव करना बल्कि मालूम नहीं है। तो अकेले यहाँ के करे मैडम? नहीं सर उनके साथ उन्होंने क्या करे सर नीचे किसी को बुलाए पता नहीं है सर, उनके साथ में दो आसिफ नगर के पीएस के पर्सन भी आए थे उनको लेके आए थे सर साथ में, तो मैं उनको भी क्लियरेंस दी के देखिए सर ये फीस स्ट्रक्चर है ये है और सेमेस्टर वाइज आपको ये इसी फी पे करना है, तो वो भी मुतमईन होके गए सर हाँ सर ये मैडम सही बोल रहे हर सेमेस्टर की अलग अलग फी रहती मेरे लड़की के लिए मेरे बहन के लिए, वो लोग खुद मेरे सामने वो सर के सामने ही बोल के चले गए। जी मैडम जी वो लोग भी बोले सर कि मेरी मेरी वाइफ का और मेरे सिस्टर जो भी सिस्टर है हम लोग पे कर रहे मैडम, अभी मैं मेरे वाइफ का मैं पे करके आया हूँ मैडम बोल के ही बोले उन्हें, सेमेस्टर वाइज की अलग रहती बोलती उतना क्लियर भी बताए सर हर चीज का भी दे रहे हैं, तो नहीं उन्हें एक ही बोले कि हम लोग ज्यादा कैसा लेते हैं सर, जो सेमेस्टर की फीस है वो भी नहीं पे करते बोलते कैसा होता है सर, कॉलेज फीस में से 22,000 कॉलेज फीस है उसमें से अब तक उन्हें 9,000 ही पे करे सर, उसके लिए भी हम लोग कुछ नहीं बोले अब तक। तो अभी क्या चाह रहे थे मैडम उन्होंने क्या चाह रहे सर जो भी उन्होंने सेमेस्टर फी है उन्होंने नहीं पे करके बोल के बोल रहे सर। तो ऐसा कैसा होता मैडम सेमेस्टर फी तो पे करना पड़ेगा ना मैडम? ना नहीं उन्होंने उन्होंने क्या बोल रहे सेमेस्टर फी मैं नहीं पे करता ऐसा कुछ नहीं पे करता जो भी है आप लोग देख लो मेरे से नहीं होता वकील, मैं बोली सर आप यहाँ पे मत पे करो अगर उतनी प्रॉब्लम अगर है ओयू जाके पे कर ले सकते आप बोल के बोली सर। तो मैडम जब आप ओयू का ऑप्शन भी रखे तो फिर उन्होंने कुछ स्कूल में सॉरी कॉलेज में आके कुछ न्यूसेंस क्रिएट करे तो आप जब भी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं ना मैडम आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे बोलकर? देखिए
सर इतना न्यूसेंस करके इतना मीडिया में डाल, किसी को पता रहता सर, एक पेरेंट है, पेरेंट्स को ना समझा के अच्छे से बोलते बोलते हम लोगों को मालूम है सर, कभी कोई पेरेंट ऐसी हरकत नहीं कराना सर, हम लोग को पता नहीं है ये पेरेंट ऐसी हरकत करते बोल के, इसलिए हम लोग समझे, हम लोग पूरे डिटेल्स में जो भी एविडेंस है हमारे पास जो भी है हम लोग सामने रखे, देखे सर ये है बोल के बोल रहे, अब इतना प्लान्ड होके सब हर चीज आके करे तो हम लोग को क्या पता रहता सर। आप कंप्लेन कराइए मैडम पहले आप। ओके सर, ठीक है मैम। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।